नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज अपने वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो जी हाँ, आज हम अपने वीडियो में देखने जा रहे हैं ये Digitech के DTR550LW ट्राइपॉड के बारे में। तो चलिए फिर फटाफट देख लेते हैं आखिर क्या स्पेसिफिकेशन है इसके और क्या क्या खास फीचर्स हैं इस ट्राइपॉड के। तो बॉक्स की बात करें तो बॉक्स कुछ इस टाइप का है, जिसके ऊपर यहाँ पे फ्रंट पे तो दी हुई है Digitech की ब्रांडिंग और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है DTR550LW और कुछ इस तरह से है। और इसके एक साइड पे स्पेशल फीचर्स दिए हुए हैं, उसमें जो फर्स्ट है वो है 3-way हेड विथ एडजस्टेबल पेन और एक यहाँ पे ये स्टडी रबराइज लेग दिए हुए हैं। साथ में यहाँ पे कन्वीनियंट एसेसरीज हुक दिया हुआ है, एक यहाँ पे बबल हेड दिया हुआ है जिसके कारण इसकी जो पोजीशन है उसका आपको डिफाइन कर सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है या नहीं है। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हेड विथ क्विक रिलीज और यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हेड फॉर DV कैमराज। दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें जो 5 kg मैक्सिमम लोड है, 5 kg तक का वेट इस ट्राइपॉड पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है इसकी जो है 1700 mm है और 5.57 feet तक इसको इसकी हाइट है। जो इसको फोल्डिंग के टाइम इसकी हाइट है वो है 615 mm की। साथ में यहाँ पे मैक्सिमम ट्यूब डायमीटर वगैरह दे रखे हैं और मिनिमम दे रखा है, इसका खुद का वेट दे रखा है यहाँ पे 1.2 kg और यहाँ पे 3 सेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे MRP की बात करें तो 2495 है, लेकिन ये आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे 1500-1520 के अराउंड मिल जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा केस है जिसके ऊपर यहाँ पे आपको एक स्ट्रेप भी मिलता है जिसके थ्रू आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का है ये अपना ट्राइपॉड। तो चलिए इसको पास से दिखाते हैं थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे Digitech की ब्रांडिंग दी हुई है। कुछ इस तरह का है ये ट्राइपॉड। तो सबसे पहले हम नीचे के लेग्स की बात कर ले, तो लेग्स में यहाँ पे नीचे की साइड है रबर कुशनिंग दी हुई है, मतलब रबर के ग्रिप दी हुई है, इसमें यहाँ पे ग्रिप बनी हुई है। साथ ही सभी लेग्स के अंदर दो दो लॉक दिए हुए हैं, तो इन लॉक को ऐसे खोलना है, तो इस तरह से निकालना है और यहाँ से वापस लॉक दबा देना है। फिर कुछ इस तरह से दूसरा है जो निकलेगा और यहाँ पे भी टैप से लॉक लग जाएगा। तो तीनों लेग्स में ये सिस्टम है, लॉक की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है जिसके थ्रू इस पूरे ट्राइपॉड को अच्छे से होल्ड किया जा सकता है और इसको इधर उधर मूव किया जा सकता है। तो यहाँ ट्राइपॉड में नीचे की साइड यहाँ पे देखिए, एक आपको एक स्क्रू टाइप का मिलेगा ये, जिसको आप घुमा के इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से घुमा के टाइट करने के बाद ये ऐसे हिलता नहीं है, अगर इसको लूज़ कर देंगे तो ये देखिए वापस हिलने लग जाएगा। जैसे कई बार होता है कि हमें कम जगह होती है वहाँ पे ट्राइपॉड को फिक्स करना रहता है, तो हम इस टाइप से क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की साइड करके और वहाँ पे लॉक लगा देंगे, जिससे इसकी टांगें क्या पास पास रहेंगी। लेकिन इस समय ध्यान रखिए ये थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, तो थोड़ा वजन अपने सोच समझ के ही रखिएगा और बाकी, लेकिन आप इसको कम स्पेस में भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ नीचे की साइड ये आप देखिए, यहाँ पे ये जो हुक है, ये हुक जैसा दिया हुआ है, ये एसेसरीज हुक है। तो इस पे आप अपने जो कैमरा के इक्विपमेंट्स हैं या कुछ एसेसरीज़ हैं वो यहाँ पे आप एज ए उसको लटका सकते हैं। इवन आप इसको ट्राइपॉड को थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ वेट लगा सकते हैं। आपको आप लूज़ कर दें, लूज़ करने के बाद जो अदर साइड है वहाँ पर इस टाइप से ये दिया हुआ है और इसको आप जैसे घुमाते हैं तो इस टाइप से इसकी हाइट इंक्रीज होने लगती है। और इस जैसे कि इस पूरे ट्राईपोड की हाइट ही काफ़ी बढ़िया है, मतलब हेड को आप ये देखिए पूरा 360 रोटेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो नॉब है इसके थ्रू आप जो हेड का जो हॉरिजॉन्टल 360 मोमेंट है उसको अपने इच्छा के अनुसार आप जहाँ फिक्स करना चाहते हैं वहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, तो अगर आप इसको ऐसे लूज़ करेंगे, लूज़ करने के बाद आप पूरा जो हेड का ये बेस प्लेट है इसको आप कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं और आप जैसे भी जिस पोजीशन पे इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे इसको टाइट कर दीजिए, आपका कैमरा उस पोजीशन पे होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, तो हैंडल को आप जैसे लूज़ करते हैं तो आप देखिए ये वाला मोशन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो ये वाला जो स्क्रू है इसको अगर आप टाइट करते हैं तो ये जो
आपके हॉरिजॉन्टल मोमेंट था ये लॉक हो जाता है, और हैंडल को अगर आप लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं तो उससे ये वर्टिकल, ये वाला मोमेंट है वो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे एक क्लिप दी हुई है, तो अगर इसको हम ऐसे खींच के ऐसे निकालेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा। ये बेस प्लेट है जो नॉर्मल पिन दी हुई है, इस पे आप अपना जो भी कैमरा है उसको लगा सकते हैं, इवन आप अपना मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल होल्डर है वो लगाना है और उसके बाद इसको घुमाना है जिससे कि वो सेट हो जाएगा। मैं आपको एक फटाफट एक मोबाइल होल्डर है वो इसमें सेट करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरा ये उलांजी का मोबाइल होल्डर है तो मैं इसको यहाँ पर फिट करता हूँ, और इसको फिट करने के बाद मैं इसको यहाँ से घुमाता हूँ। घुमाने के बाद ये देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है, और अब इसको मैं यहाँ पे इसको तो इस तरह से मैं इसको लगा देता हूँ। तो इस जगह देखिए यहाँ पे लेवलिंग के लिए एक बबल दिया हुआ है, साथ में लिक्विड दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप अपने ट्राइपॉड का जो लेवल है उसको चेक कर सकते हैं कि आपका ट्राइपॉड है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो चलिए मैं इस ट्राइपॉड की आपको हाइट दिखा देता हूँ कि आखिर इसकी कितनी हाइट है। तो इस टाइम देख लीजिए ये जो मेरी हाइट है, और ये मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।